अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फॉर एवरीवन। आज की रेसिपी वो थोड़ी सी लेट हो गई है, इसलिए जल्दी जल्दी दिखाती हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन में बारीक सा मीडियम साइज़ का ऑनियन चॉप करके डाल दिया है। तो अच्छी तरह लाल होने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे चिल्ली फ्लॉक्स, जो कुटी हुई मिर्ची है वो वाली। उससे पहले यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक स्पून ऐड करेंगे और उसके साथ साथ हम चिल्ली फ्लॉक्स का ऐड करेंगे। चिल्ली फ्लॉक्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे टर्मरिक ऐड करेंगे और साथ ही साथ कॉर्निडा का पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। इसको अच्छे सा एक मिक्स देंगे, लो फ्लेम पे रखे करिएगा। और साथ ही साथ टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे, जो हम मसाले डाल रहे हैं उसके हिसाब से टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो उसके बाद यहाँ पे इसको अच्छी तरह कच्ची खुशबू जाने तक थोड़ा सा तल लेंगे। तलने के बाद मैंने यहाँ पे दो तीन वेजिटेबल्स लिए हैं, उसको मैंने यहाँ पे कट करके मतलब चॉपर में चॉप करके रखेगा। ये वाले यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे दो गाजर लिए हैं और यहाँ पे दो कैप्सिकम और यहाँ पे दो पटैटो और थोड़ी सी हरा धनिया। तो कलरफुल तैयार हो गया हमारा वेजिटेबल्स। और यहाँ पे मसाला फ्राई होने के बाद हम वेजिटेबल्स भी इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ पे अच्छी तरह मेरा मसाला फ्राई होने के बाद अब हम यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं वो वाला वेजिटेबल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, गाजर, पटैटो, हरा धनिया और साथ ही साथ कैप्सिकम। अच्छा, मैंने पटैटो पे थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, आप चाहे तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, यानी तो आप लोगों को पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरे वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, जैसा कि पटैटो और कैप्सिकम वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया अच्छी तरह। तो यहाँ पे मैंने इसका कलरफुल वेजिटेबल्स का नाम जो मैं बना रही हूँ अभी तक बताई नहीं हूँ, मैं बना रही हूँ वेज पफ्स। जैसा कि हम एक पफ्स बाहर लेके खाते हैं, वेज पफ्स खाते हैं, लेकिन ये मेरा घर का अलग तरीका है। एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आउटसाइड से वेज पफ्स या एग पफ्स खाने का आप लोग छोड़ देंगे, बहुत ही टेस्टी रहता है। और घर में हमें जैसा बनाते हैं ऐसा कोई आउटसाइड का इतना टेस्टी नहीं रहता। आप लोग आउटसाइड का ट्राई करें, फिर यहाँ का भी ट्राई करें, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा ट्राई करके। तो ये कलरफुल वेजिटेबल्स हमारे तैयार हो गए, अच्छी तरह मैंने यहाँ पर इनको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के बाद मैं इसको बनाऊँगी पफ्स। जैसा मैं पफ्स बनाऊँगी आपको उसका तरीका भी दिखाऊँगी। अच्छा, मेरी दो तीन ये सीरा पुछरा कमेंट्स आया था कि इख्तियार से लेके सहर तक का एक फुल डे रूटीन मांग रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कोशिश करके अपना रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरा वेजिटेबल जो है तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे एक प्लेट में निकाल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये ठंडा होएगा मैंने यहाँ पर मैदे का आटा लेना है और आटे को अच्छी तरह सॉफ्ट सॉफ्ट सा गूंद के रख लेना है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाला और रख दिया फैन के नीचे ठंडा होने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आटा सॉफ्ट सॉफ्ट सा गूंद लिया, आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट गूंदा है मैंने। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने कितना सॉफ्ट, इस तरह सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद हम बनाएंगे इसको रोटी के हिसाब से, पहले रोटी जैसा बेलेंगे फिर। तो यहाँ पर इस हिसाब से मैंने बेल लिया है, छोटा सा एक पेड़ा लिया है, आपको मैं पेड़े का साइज़ भी दिखा देती हूँ। जैसा मैंने आटा लिया है, ये इतने साइज़ का छोटा सा आटा लिया है, पहले गोल गोल इसको मैंने यहाँ पे बना के रख दिया। और यहाँ पे देखिएगा बेल लिया है मैंने। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम जो वेजिटेबल फ्राई करके लाए हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर ऐड कर देंगे, बस थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शिफ्टिंग इतना वो टाइट नहीं बैठती, जितना हिसाब से लगेगा इतना ही लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने बीच में रख दिया इस तरह। उसके बाद यहाँ से हाथ में थोड़ा सा पानी लूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी लेने के बाद इन साइडों में ना इस तरह मैं हाथ गीला हाथ करके ना इस तरह लगा दूँगी, ताकि जो शिफ्टिंग होती है हमारी वो टूटे ना, ऐसे ही रहे। तो यहाँ पे मैं इस तरह इस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला वाला लिया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा लिया है और यहाँ पर लिया है मैंने चौथा। तो हमारा ये वाला पफ्स जो है आराम से तैयार हो गया, वेज पफ्स। तो ये देखिएगा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दो बना दिए, ये वाला है। तो इस तरह मैं बनाऊँगी यहाँ पे इस तरह का पफ्स, और फिर दोबारा से आटा ले लेंगे, बस छोटा सा लीजिएगा। यहाँ देखिएगा मैंने कितना छोटा लिया है, इतना छोटे में ही इतना बड़ा बन जाता है, क्योंकि इसके बाद हमें इसे फ्राई भी करके निकालना है, तो मैंने यहाँ पर छोटा वाला बनाया है। तो आप लोगों को बड़ा पफ्स चाहिए तो आप बड़ा ले सकते हैं, लेकिन मुझे छोटे छोटे बना रही हूँ मैं, क्योंकि यही फ्राई होंगे और टेस्टी लगेंगे इसलिए। तो यहाँ पे मैं पूरे बेल लेती हूँ, अभी बना लेती हूँ,
इस तरह का पफ्स। तो यहाँ पे इस तरह बनाने के बाद यहाँ पे नॉन स्टिक का पैन रख लिया था और पैन में साथ ही साथ थोड़ा सा ऑयल डाल के अलटते पलटते इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बस इसको पहले डालते ही ना थोड़ी देर छोड़ दें, फिर या पलट दें हम। यहाँ पे देखिएगा इस तरह बन जाएंगे, तो उसके बाद पलटेंगे। एक साइड होने दिएगा, फिर एक साइड, फिर इस तरह रुका रुका के लो फ्लेम करते हुए आराम से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे वेज पफ्स तैयार हो गए और करारे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा मैंने दोनों साइड से इसको अच्छी तरह सेक लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमारे करारे मेयोनेज़ के साथ और साथ ही साथ जो है टमाटो सॉस भी ले लिया मैंने थोड़ा सा, इसके साथ खाएंगे क्रिस्पीज वेज पफ्स, बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, अच्छे लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स पे भी शेयर करिएगा। पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बिना बोले सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। और इफ्तार का वक्त हो चुका है तो मैं अभी चलती हूँ इफ्तार की तरफ। और वैसे आप लोगों को बताई थी कि मैं 5 o'clock या 5:30 को बैठ जाते हैं, तो इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा दुआओं में। तो ये वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।